Breaking news. डॉक्टर ने नाबालिग छात्रा का अपहरण कर किया गैंगरेप फिर बेचा। अन्य प्रदेश मामला उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली में थाना कोतवाली भमोरा क्षेत्र के मिलक मझारा गांव की एक छात्रा का ईंट भट्टे के पास से दो युवकों ने अपहरण कर फिर बंधक बनाकर छात्रा के साथ गैंग रेप किया। इतना ही नहीं दरिंदों ने छात्रा को हिमाचल प्रदेश में 50 रुपए 1000 रुपए में किसी अन्य युवक को बेच दिया, जिसके बाद किसी तरीके से आरोपियों के चंगुल से छूटकर छात्रा अपने घर पहुंची। पुलिस ने मामले की FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भमोरा थाने में शॉल से चेहरा छुपाए बैठी ये वही कक्षा 8 की छात्रा है जिसका 15 तारीख को ईंट भट्टे के पास से अपहरण कर लिया गया था। छात्रा का आरोप है कि दो युवकों ने उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया। उसे हिमाचल प्रदेश में 50,000 में बेच दिया गया। 4 दिनों तक छात्रा आरोपियों के चंगुल में कपड़ा घुसेदा हो आँख बंद करता ही तेल लगाए टेम्पो उड़ार का और लास्ट पलंग लगाए और फिर हिमाचल लगाए हिमाचल बेच दो हो अपना चले आए थी। किसने बेच दिया तुम्हें? रामेश्वर। और किसके हाथ बेचा? उसको नाम तो पता ना है। जिसको जिसको तुम्हें बेचा था वहाँ कितने दिन रही तुम? कहीं थी उनके पीछे चली आई मैं उन्हें गिराव दो। मैंने उनसे कही मेरे पापा फोन कर दे ऐसी ऐसी बात है मैं अपने पापा से मैं गिराव दबा दूंगी। उन्हें की सही है फिर वह रुकी ना आई भी उनकी मम्मी तकलीफ में आई बरेली भत्ती तिवे चली गई तिमती होने पन्नी चो होने पन्नी थाने में कर गई तो उन्होंने बैठे रहे थे मेरे पापा गए चाचा गए तिलवा कर लाए। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम चरण सिंह है। मैं ग्राम प्रधान उम्मति का पति हूँ। मिलक मझारा। क्या मामला हुआ? हमारे गांव की लड़की थी वो बल्लिया बाजार जा रही थी उसे हरामपुर भट्टे के पास से कुछ लोगों ने अगवा कर लिया था। उसके बताए अनुसार उसे वो बाहर ले गए पूना हिमाचल और वो कल वहाँ से चंदौती स्टेशन पर उसे कुछ लोगों ने छोड़ दिया वहाँ लाके और वो लड़का जो ले गए थे वो रास्ते में फरार हो गए ट्रेन से और उसके बाद वहाँ चंदौसी जो वहाँ पुलिस है पुलिस रेलवे पुलिस उसने फ़ोन किया इनके पिताजी को लड़की के तो हम लोग वहाँ गए थे उसे तो कल लेके आए आज हम थाने में इतला करने आए हैं भमोरा थाने पे। वो अभी तो कुछ क्लियर नहीं बता पा रही है वो उसकी टेंशन में है दबाव में है थोड़ी बहुत जैसे मानसिक संतुलन में अभी उसका सही नहीं है। कह रही है कि मेरे कुछ लड़के ले गए थे अब वो सही तरीके से नाम नहीं बता पा रही उनके लेकिन उनके फ़ोन नंबर हैं उसके पास उससे पता लगा रही है पुलिस। क्या नाम है आपका? यारलाल। क्या घटना हो गई जो आज थाने आए आप? 10 तारीख को लड़की गायब हो गई थी फिर चाँदपुर चौकी का वो इतला की थी फिर वो जो है आपका आस पास घूमो एक रिश्तेदारी छोड़ लो फिर आज क्या हुआ? तब तहरीर कभी लिखा देना आज से 3-4 दिन तहरीर लिखने को बोला था आपने? हाँ। तो क्या हुआ फिर आपने लिखी क्यों नहीं? ने मना कर दिया। क्या हुआ था फिर? ने मना किया। फिर क्या ये बात हुई थी फिर आज क्यों आए थाने? आज इसलिए आए कि लड़की मिल गई थी। फिर क्या हुआ? फिर आज भी जो है यही कोई तरीक अब गुमराह कर रहे हैं तो लिखवा देना कि वो लड़की शादी नहीं होगी ये होगी। अभी जो घटना हुई उसके विषय में बताए मेरे माध्यम से लिखवाओ ऐसा बोला? हाँ। माध्यम मतलब पुलिस खिलाफ़ लिखाना है? पुलिस खिलाफ़ लिखाना। क्या हुआ आपकी लड़की के बारे मतलब साथ? 50,000 रुपए में बेची थी हिमाचल। किसने? लाभार्थी पता नहीं। अच्छा किसके जिम्मेदार मानते हो आप इस घटना का? पुलिस को। क्यों? कौन धमका रहा था? कौन? कहाँ के दरोगा जी? थाना भमोरा सरदार नगर चौक। अच्छा फिर आप डर गए क्या? डर का हमने की नहीं हम जो आप लड़की पेश करते हैं ऊपर। फिर क्या बोले दरोगा जी? बोले जो कुछ कर मिले कर।
देखिए थाना बमौरा में 15 दिसंबर को 363/66 IPC का एक अभियोग पंजीकृत कराया गया, जिसमें एक 16 वर्षीय बालिका को बहला फुसला तक ले जाने के संबंध में आरोप लगाए गए। अपहर्ता पुलिस के द्वारा बरामद की गई है। अभियुक्त भी पुलिस हिरासत में है, उससे पूछताछ की जा रही है और जिस फोन नंबर से कॉल करने के बाद इस अपराध के कारित होने की बात FIR में कही गई है उसके संबंध में शर्विलांश की मदद लेकर बाकी पुलिस छानबीन कर रही है और गहराई से उसकी विवेचना कर रही है।